दोस्तों, आपने एक या दो गर्लफ्रेंड के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि किसी मर्द की 1000 गर्लफ्रेंड भी हो सकती हैं? अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है तो हम आपको रूबरू करवाते हैं उस शख्स के जिसकी 1 या 2 या 10 नहीं बल्कि 1000 गर्लफ्रेंड थी। जी हाँ, कोर्ट ने इस आदमी को 1075 साल की सजा सुनाई है। अब पता नहीं वो इतने साल कैसे जेल में काटेगा। आखिर कौन है ये आदमी जिसे कोर्ट ने हजारों साल की सजा सुनाई है? आइए जानते हैं खबर के बारे में। अदनान ओक्तार मुस्लिम पंथ का एक बड़ा नेता माना जाता है। वो इस्तांबुल में रहता है। वो बड़े बड़े उपदेश दिया करता था। अदनान डार्विन के विकासवादी सिद्धांतों को सिरे से नकारता था और अपना अलग ही सिद्धांत पेश करता था। वो हारून याहा के कलम नाम के तहत द एटलस ऑफ क्रिएशन नाम की एक किताब भी लिख चुका है जो 770 पेजों की है। अदनान अक्सर कम कपड़े पहनी महिलाओं से घिरा रहता था। वो अक्सर टीवी शो में उपदेश दिया करता था और कट्टरपंथी मत को फैलाया करता था। इतना ही नहीं, अदनान लड़कियों के साथ इसी शो में डांस भी किया करता था। वो महिलाओं को उनके नाम से नहीं बल्कि बिल्ली कहकर बुलाता था। सबसे बड़ी बात है कि अदनान को मानने वाले लोगों की तादाद भी बड़ी संख्या में थी। अदनान के ऊपर 2018 में मुकदमा दर्ज हुआ था जिसमें उसके ऊपर 10 अलग अलग आरोप लगे। उनके खिलाफ गिरोह बनाकर अपराध करने से लेकर नाबालिगों का यौन शोषण करने, सैन्य जासूसी तक के आरोप लगे थे। करीब 236 आरोपियों पर मामला चलाया गया। इसमें से 78 लोग गिरफ्तार किए गए जो अदनान को मानने वाले थे। जब उनके घर पर छापा मारा गया तो वहां से 69,000 गर्भ निरोधक गोलियां मिली थी। गोलियों के बारे में अदनान का कहना है कि ये गोलियां वो त्वचा से जुड़े रोगों और मासिक धर्म की समस्याओं के इलाज के लिए इस्तेमाल करता था। उसके खिलाफ लगे आरोप सही पाए गए तो कोर्ट ने जनवरी में उसको 1075 सालों की सजा सुना डाली। अदनान पर एक और गंभीर आरोप है, वो जबरन उनकी प्लास्टिक सर्जरी करवाया करता था। जी हाँ, उसके साथ रहने वाली सभी महिलाओं की उसने प्लास्टिक सर्जरी करवाई थी। हालांकि उसके डर की वजह से महिलाएं चुप ही रहती थी और उसका विरोध करने की हिम्मत किसी में नहीं होती थी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और व्हाट्सएप और फेसबुक पर ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।